ओके, तो सर ये वाला जो सेशन आप रखे हो इसका क्या पर्पस है या व्हाट आर वी डूइंग हियर? सो आई वाज गोइंग थ्रू सम क्वेश्चंस, मेरे को लगे इम्पोर्टेंट है, या मेरे को लगे कि एक बार आप लोगों को लास्ट टाइम, बिकॉज यू नो टर्म वन के लिए इट्स योर लास्ट टाइम रिवीजन ओनली, तो आप लोगों को कुछ बातें, कुछ सम्स जो है वो क्लियर करवा दें, ठीक है ना? सो इन दैट लाइट गाइज द प्लान इज गोइंग टू प्रोसीड, ठीक है? सबसे पहले एक लिस्ट है यहाँ पर, आप लोग वो देखिए क्वेश्चंस का, इधर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन, कुछ बड़े आसान क्वेश्चन है, कुछ हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चंस है, तो जरा सुनते जाइएगा, ठीक है ना? अभी जैसे क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना? एब्सोल्यूट मिनिमा पूछ रहे हैं। अब गाइस फंक्शन मॉड्यूलस एक्स माइनस थ्री, इंटरवल है 4 से 5, 4 और 5 दोनों होना यूज अलाउड है। सीधी सी बात है, एब्सोल्यूट मिनिमम पूछा है हमसे। आज आप लोग ये सोच के देखो कि आज ये वाला जो पूरा फंक्शन है ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, ये फंक्शन हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, मॉड्यूलस है, लेकिन एक केस में ये अपना लोएस्ट अचीव करता है। एक मॉड्यूलस फंक्शन लोएस्ट कब हो सकता है जनाब? एक मॉड्यूलस फंक्शन लोएस्ट तब होता है जब वो जीरो हो जाता है, क्योंकि कभी भी मॉड्यूलस फंक्शन नेगेटिव तो हो नहीं सकता। मतलब मॉड्यूलस फंक्शन का जो लोएस्ट वैल्यू इज जीरो। जीरो कब होगा? जब एक्स की वैल्यू क्या होगी? जब एक्स की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। अगर मैं बोल देता हूं एब्सोल्यूट मिनिमा मेरा 3 है तो मैं गलत हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पूछा गया है कि भाई बताओ इंटरवल 4 से 5 के बीच में, 3 अलाउड ही नहीं है मुझे। अब अगर 4 से 5 के बीच में मुझे बताना हुआ दोस्तों, तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट लोएस्ट वैल्यू बोलूंगा विच इज 4। इन द इंटरवल पूछा तो मुझे इंटरवल भी ध्यान रखना होगा, मतलब मैं 4 पे चेक करूंगा तो 4 माइनस 3 जो होता है वो 1 होता है। So that's the answer I'll go with, 4. So my dear friends, the absolute minimum is 4. Absolute minima is 4. Point of absolute minimum I mean. Guys, clear है नहीं clear है? Confirm कीजिए फटाफट, ये और नो इन द चैट गाइज। इसके बाद वाला क्वेश्चन बेहतर है, फटाफट एवरीबॉडी कम ऑन। ओके, ऑल राइट गाइज, ये वाला क्वेश्चन को देख लेना, बहुत ही मस्त मजा आने वाला है। सुन लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। मैं चेक कर रहा था अभी इसी क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखिए, ये वाला तो मैंने सॉल्व कर दिया। अब आप लोग ये देखो, व्हाट इज द जनरल इंटरवल इंटरवल ऑफ फंक्शन टू बिकम बाइजेक्टिव। आप लोग को याद होगा कि हमने इधर पे देखिए आप लोग, हाँ इधर पर देखिए आप लोग एक बार काइंडली ध्यान दीजिएगा। हाँ हमने देखा था, हमने जाना था कि भाई जो साइन फंक्शन है जनरली स्पीकिंग, अगर मान लीजिए यहां पर मैं लिया तो साइन फंक्शन वो जनरली कुछ इस प्रकार का होता है। जनरली साइन फंक्शन जो होता है वो गाइस कुछ इस प्रकार का होता है, मान लीजिए ये और इधर से भी ये। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक ही वैल्यू पे आप लोग पाते हो, एक ही वैल्यू पे आप लोग पाते हो मल्टीपल आंसर, है ना? यही बात है सर? हाँ जी सर, ये बात बिल्कुल सही है। तो इस वजह से ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होता। तो नॉर्मली स्पीकिंग, अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो साइन फंक्शन जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, तो जो नॉर्मली बात करें अगर अपन, तो साइन फंक्शन जो होता है वो बाइजेक्टिव नहीं होता है, ये आंसर है। पहले बात तो ये बात क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए। यहां पर आप लोग गलती नहीं कर सकते, प्लीज कम ऑन गाइस, यहां पर गलती करना अलाउड नहीं। क्योंकि देखो ना, पाई बाई टू पे भी ये 1 होगा, पाई बाई टू पे भी 1 होगा, और फिर आगे में जो वैल्यूज है वहां पर भी जाके वो कुछ 1 होगा, है ना? कुछ और आगे में भी जाके किसी और वैल्यू पे भी 1 होगा। तो हाँ मेनी 1 बोल सकते हैं, बट बाइजेक्टिव नहीं है, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए इसको 1 1 और 2 दोनों होगा, दोनों होना होगा। हाँ सर बाइजेक्टिव तो नहीं है, बट आप लोग अगर इस क्वेश्चन को मेरी ध्यान से सुने तो ये क्वेश्चन बोल भी नहीं रहा है कि हर इंटरवल पे बाइजेक्टिव होता है क्या। नहीं, अगर जनरली पूछा तो आप बोल दोगे साइन फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, करेक्ट है। बट यहां पर क्वेश्चन ने क्या पूछा है दोस्तों, एक बार गौर फरमाइए। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि भाई एक बात बताना, हमें बाकी से मतलब नहीं है, तुम हमें ये बता। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि भाई हमें बाकी से मतलब नहीं है, तो हमें ये बता कि ऐसा कौन सा इंटरवल है, ऐसा कौन सा इंटरवल है जहां पे वो बाइजेक्टिव होगा, जहां पे वो बाइजेक्टिव होगा, दैट इज द क्वेश्चन। अब आप लोग एक बात को समझिए पहले। सर क्या बात? दोस्तों बात ये समझ रहे आपको कि फंक्शन तो ऑन टू होगा, क्योंकि हर वैल्यू पे कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट कर रहा होगा। मेन कंसर्न आपको फंक्शन को 1 1 प्रूफ करने का है, राइट? मेन टेंशन आपको उस चीज का है। अब आप लोग एक बार देखिए जरा इधर पे, ये -π/2 है ना? आप लोग जरा इधर पर एक बार देखिए, मैं ये एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव कर रहा हूं, आप लोग देखते जाना, है ना?
मैं एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव कर रहा हूं अभी अभी देखना आपको। तो आप लोग ये देखो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एक बार अभी देखो, तो आपको एक भी जगह नहीं दिखेगा जहां पे साइन अपना वैल्यूज रिपीट कर रहा है। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में एक बार भी नहीं होगा। साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू माइनस वन, साइन ऑफ पाई बाई टू वन, और माइनस वन से वन के बीच में आपकी वाई की वैल्यूज वेरी करेंगी, बट एक भी वैल्यू ऐसा नहीं होगा जो रिपीटेशन देखोगे या रिपीटेशन काइंड ऑफ थिंग देखोगे आप लोग। सर जी बात तो आप बिल्कुल ठीक कहते हो, इसका मतलब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में तो ये वन वन है, इसका मतलब बाइजेक्टिव है। लेकिन एक सेकेंड, नॉर्मली एज अ स्टूडेंट मैं तो आंसर लिख कर आ गया होता कि जनाब माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक जो है मेरा इंटरवल में साइन का जो है होना अलाउड है, बिकॉज उसमें जो है फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, ये मेरा आंसर होता। बट एक सेकेंड गाइस, आप लोग पहले ऑप्शन देखिए, अगर आप लोग गाइज ऑप्शन देखोगे, अगर आप लोग गाइज ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में कहीं पे भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू अलाउड नहीं है। मतलब ऐसा कहीं नहीं लिखा कि माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक अलाउड है, पर होता तो मैं तुरंत टिक मार दिया होता। बट गाइज यहाँ पे बार बार हर क्वेश्चन में एन है, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि सुनो जनरल टर्म्स में बताओ। अब मैंने बोला देखो आप लोग एक चीज देखो, आप लोग एक चीज देखना, सर जी क्या यहां पर आपने देख लिया कि फंक्शन वन वन है, मैं अभी दूसरे कलर का लाइन बनाऊंगा तब आप लोग देखना तब भी क्या वन वन है, आप लोग बताइएगा, है ना, मैं नहीं बता रहा, आप लोग बताइएगा। तब मान लीजिए यहां पर मैं लिखा थ्री पाई बाई टू, मतलब पाई डिस्टेंस और आगे कवर किया मैं, थोड़ा सा पाई डिस्टेंस जो है वो और आगे कवर किया। गाइस मेरा क्वेश्चन है कि क्योंकि साइन थ्री पाई बाई टू भी माइनस वन होता है और साइन पाई बाई टू भी वन होता है, तो मुझे एक बात बताइए ना, क्या पाई बाई टू से लेकर थ्री पाई बाई टू तक में भी साइन फंक्शन वन वन ही है क्या, अगर पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू तक का बात करें तो? अगर आप लोग बोलो हाँ तो मैं आगे बढ़ूंगा। सब कोई गरिमा अग्री कर दी, वंशिका अग्री कर दी, वेरी गुड। तो जनाब आप लोग जो है अग्री कर रहे हो, आप लोग जो है अग्री कर रहे हो। तो अब मैंने कहा यार सुनो, अब मैंने कहा यार सुनो, माइनस पाई बाई टू पे पाई बाई टू, पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू, हर जगह पर ये चीज हो रहा है। आप लोग अगर ध्यान देंगे तो इसका जनरल फॉर्मेट, जनरल फॉर्मेट क्या हो गया, एन पाई माइनस पाई बाई टू से लेकर एन पाई प्लस पाई बाई टू, क्यों ये जनरल फॉर्मेट हो गया, ये मैंने ऑप्शंस में से चेक किया था। क्यों? क्योंकि आप लोग देखो, अगर मैं एन की जगह जीरो डालू, अगर मैं एन की जगह जीरो डालता हूं तो गाइज ये पूरी चीज जीरो हो जाएगी, तो आंसर हो गया माइनस पाई बाई टू, और ये भी जीरो तो पाई बाई टू, मतलब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू आ गया मेरा। अगर मैं एन की जगह वन डालू तो पाई माइनस पाई बाई टू मेरा कितना आ जाएगा, पाई बाई टू, और यहां पर मैं पाई की जगह वन डालू तो पाई प्लस पाई बाई टू मेरा कितना आ जाएगा, थ्री पाई बाई टू। मतलब दोस्तों आप लोग देख रहे हो क्या हो रहा है? हाँ सर हम लोग देख रहे हैं। मतलब दोस्तों हो ये रहा है, मतलब दोस्तों हो ये रहा है कि ये भी आ रहा है। इसका मतलब मैंने ये जो जनरल पैटर्न पकड़ा है वो बिल्कुल सही है, एन पाई माइनस पाई बाई टू और एन पाई प्लस पाई बाई टू, बिल्कुल सर। इसका मतलब जनाब आपका जो आंसर है वो ये वाला क्वेश्चन, एन पाई माइनस पाई बाई टू और एन पाई प्लस। ओ सर ये पैटर्न आपने कैसे रिकॉर्ड किया? गाइज मेरा तरीका मैं बता देता हूं, पहले मैंने सिर्फ सिंपली, मैं जब सॉल्व कर रहा था, मैं आपको बता देता हूं, जब मैं ये सम कर रहा था, आप लोगों को सिखाने के लिए रिफाइंड तरीके से बता रहा हूं, पर जब मैं कर रहा था तो मैंने क्या किया मैं बता देता हूं आपको। मैंने सबसे पहले तो देखा कि ये वन वन कहां पे है साइन का, एक बार मैंने देख लिया ये वन वन कहां पे है, उसके बाद मैंने क्या किया मालूम है आपको, मैंने किया ये कि मैंने कोई भी दो रेंजेस निकाले, जैसे माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू। अब मैंने बोला कि अगर कोई भी सही होगा तो मेरा वो आंसर आएगा, तो फिर मैंने एन इक्वल टू जीरो इधर डाला तो यहां पर आ रहा था जीरो से पाई बाई टू, फेल हो गया। यहां पर मैंने जीरो डाला तो यहां पर जब मैंने जीरो डाला, एक्चुअली यहां पर तो पाई माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू हो गया और ये थ्री पाई बाई टू, मतलब ये एक वैल्यू का बात कर रहा है। मैंने कहा यार एक वैल्यू का बात तो ठीक है, फिर मैंने यहां पर जीरो डाला तो देखा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू आया, फिर मैंने यहां वन डाला तो भी देखा मेरा आंसर पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू आया। हिट एंड ट्राई करने की वजह से मेरे को पता चला कि ये फॉर्मेट मेरे सारे आंसर जनरेट कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर। गाइज आर यू विद मी, एम आई क्रिस्टल क्लियर गाइज, व्हाट से दोस्तों, कम ऑन गाइज। ऑलराइट गाइज चलो इसके बाद गाइज जो एक अच्छा क्वेश्चन मैंने देखा वो था ये क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 यहां पर जो लिखा हुआ है वो मैंने देखा बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, तो मेरे को लगा कि यार आप लोग के साथ ये डिस्कस होना चाहिए, बिल्कुल बनता है डिस्कस होना। सर बताइए अब इसमें क्या आपको खास लगा एंड हाउ डू यू प्रोसीड इन दिस रिगार्ड। मैंने बोला देखो
आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल्स टू e द पावर 2x, है ना, आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है। आपको बोला कि ये जो टेंजेंट है, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, हमें बोल रहा है कि इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है वो 0.1 पे एट द पॉइंट पे मीट कर रहा है, मतलब टेंजेंट और कर्व का मुलाकात हो रहा है इस पॉइंट पे। लेकिन यही टेंजेंट x एक्सिस पर जब गिरेगा, यही टेंजेंट जब x एक्सिस पर गिरेगा तब क्या होगा, आपसे ये पूछा गया, तब क्या होगा आपसे ये पूछा गया। माय डियर फ्रेंड्स आप लोग सुनिएगा, अगर ये टेंजेंट x एक्सिस पे मिलेगा तो गाइस एक बात समझिए ना, आपको एक पार्ट ऑफ द आंसर तो पहले से ही पता है कि अगर ये टेंजेंट x एक्सिस पर गिरता है तो इसका मतलब ये टेंजेंट x एक्सिस पे मिलेगा तो y पे y इक्वल टू 0 होगा, मतलब y 0 यहां पर नहीं है, यहां पर भी y 0 नहीं है, मतलब गाइस मुझे पता है आंसर सी या बी में से है। गाइस इतना आप लोग अग्री करते हैं कि नहीं करते, कम ऑन एवरीबॉडी, मीट्स x एक्सिस एट, पूछ रहा है गाइस डू यू अग्री, कम ऑन। हाँ जी साहब हम लोग अग्री करते हैं। अब जनाब अगर आप लोग सब अग्री करते हैं, तो मैं ये बोल रहा हूं कि इसका dy/dx क्या हो गया, इसका dy/dx हो गया e the power 2x है, तो ये हो गया 2 e the power 2x। अब मैं क्या करूंगा, इसको इक्वेट करूंगा विद 0, लेकिन पहले हाँ एक पहले मैं इस पे वैल्यूज डालूंगा, 2 e the power 2x पे जो है मैं वैल्यूज डालूंगा। वैल्यूज मुझे क्या दिए हुए हैं, 0.1। अगर गए मुझे 0.1 दिया गया है तो मैं यहां पर पहले 0 डालूंगा, तो जैसे ही मैं यहां पर 0 डाला, 2 e the power 0, e the power 0 1 हो गया, तो मेरा आ गया 2, मतलब मेरा स्लोप क्या आ गया, 2, मतलब मेरा स्लोप क्या आ गया जनाब, मेरा जो स्लोप है वो 2 आ गया, है ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट 2 आ गया। अब गाइज आप लोग को ये बात मालूम है कि एक टेंजेंट का इक्वेशन, हम टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो y-y1 = m(x-x1) स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा अब आपको एक बात तो मालूम ही है कि 0.1 पे से ये पास कर रहा है ये टेंजेंट, तो अगर ये टेंजेंट 0.1 से पास कर रहा है, इसका मतलब मैं यहां पर 1 डाल सकता हूं y की जगह, है ना, m की वैल्यू 2 निकाल दिया हूं मैं, स्लोप निकाल दिया हूं टेंजेंट की, और x1 क्या है, 0 है मेरी, तो यानी कि मैं लिख सकता हूं y = 2x + 1। ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये गाइस मैंने निकाल दिया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्यों, क्योंकि टेंजेंट जिस पॉइंट से पास कर रहा था मुझे एक वो पॉइंट पता था 0.1 और मुझे स्लोप पता था टेंजेंट का, तो मेरे लिए काम हो गया। लेकिन हमें पूछा गया कि ये टेंजेंट जो है ये एक्स एक्सिस को कहां पे मिलेगा, जनाब जब एक्स एक्सिस को मिलेगा तब वाई क्या होगा, 0, तो टेंजेंट के इक्वेशन में 0 डाल दीजिए, तो जनाब 0 = 2x + 1, 2x = -1, सो गाइस एक्स आपका हो गया -1/2। एम आई क्रिस्टल क्लियर दोस्तों, व्हाट से दोस्तों, कम ऑन एवरीबॉडी गाइस, -1/2, 0, है ना जी। किया कैसे हमने गाइस, हमारी टेक्निक क्या थी, हमारी टेक्निक बहुत सिंपल थी कि हमारी टेक्निक बड़ी सिंपल थी कि हम लोग इस पर्टिकुलर चीज को तोड़ेंगे और उसके बाद पहले डिफरेंशिएट किया, फिर स्लोप निकाला, स्लोप को इक्वेशन में डाल के टेंजेंट का इक्वेशन निकाला और फिर वैल्यू डाल दिया। एट एक्स एक्सिस 0 होता है वाई, तो बस ये बात आपको पता रहना चाहिए था, अगर मीट्स वाई एक्सिस है तो फिर वाई को आपको एक्स को 0 लेना पड़ता, बस दैट्स द डिफरेंस गाइस। ओके सर जी बात तो सही है, सर बात तो एकदम आपका करेक्ट है। ओके गाइस इफ यू अलाउ मी टू, क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करूं क्या, व्हाट से गाइस, कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करूं क्या। हाँ ठीक है गाइस, इस क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा आप लोगों को, मतलब ये क्वेश्चन ऑब्वियसली इसका आंसर 0 होगा, ठीक है, इसका आंसर 0 होगा, देख लीजिएगा, बट अगर किसी को देखना है तो मैं करवा दूंगा, अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे को नेक्स्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन लगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि सबसे पहले जो दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन जो है ना, अच्छा वो सब जो है आप लोगों को पहले सिखाया जाए, पहले आपको वो ट्रीट किया जाए, ठीक है ना जी सर बिल्कुल। तो गाइस क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग एक बार, मैं फिर कॉपी कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ मैं कॉपी ही कर लेता हूँ दूसरी जगह पे, फिर आप लोग बेहतर सॉल्व करने में हेल्प कर पाओगे। ये देखो आपको बोला गया ये डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करने को, क्या बोला गया, इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करने को, ठीक है ना। और जो भी दिक्कत हो रहा है ना स्टूडेंट्स को, जिन्होंने भी ये डाउट्स पूछा है उनको दिक्कत ये हो रहा है, क्योंकि शायद उनको यही नहीं मालूम है कि फॉर्मूलाज क्या है, आई मीन लॉगरिथमिक फॉर्मूलाज क्या है, बस इस वजह से डिस्कशन दिक्कत हो रही है। ये देखिए ये हो गया और एक ये हो गया, अभी मैं यही देख रहा था, ठीक है। अभी दोस्तों आप लोग ये देखो, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, सर बड़ा सिंपल है ना, आप लोग को पहले क्या करना है, ऑब्वियसली ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, बट इसके लिए मैं आपको बता देता हूं एक तरीका,
लॉग बेस 3 है, 512 है, 512 को मैं लिख सकता हूं 2 to the power 9। बिल्कुल सर लिख सकते हो, जहां पावर में डाल सकते हो वहां डाल दीजिए, डाल दिया। लॉग 4 है सर, 4 को आप दिन बेस है ये तो सर, फिर भी लिख सकते हो 2 square, कोई दिक्कत नहीं है सर, लिख लिया हमने। लॉग 3 8 है, कोई दिक्कत नहीं है, 8 को आप लोग लिख सकते हो 2 cube, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लॉग 4 9 है, पहले एक बार 4 को, सर 4 को 2 square लिखो ना, लिख देगा, पहले 9 को 3 square लिख लो, ठीक है। अभी आप लोग समझिएगा एक बात, आप लोग को ये बात मालूम है कि लॉग अगर a द पावर b है तो क्या हो जाएगा, b log a। उस हवाले से अगर ये पावर 9 है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 9 log बेस 3 और यहां पर 2, वैसे यहां पर ये हो जाएगा, ये ऐसे कैसे ही रहेगा, सॉल्व ये भी होगा, बट अभी एक बार के लिए ये log बेस 3 और बाजू में 2 और यहां पर भी 2 log बेस 4। अब बेस 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख देता हूं और यहां पर मैं 3 लिख देता हूं। गाइज अगर आप लोग यहां तक मेरे साथ रेडी है, अग्री करते हैं, तो मैं फिर आगे कुछ करके बताऊंगा, पहले तो यहां तक बताइए आप लोग अग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं, क्या लगता है आप लोगों को, क्या लगता है गाइस, कम ऑन मेट्स। सारे के सारे दोस्त बोलते हैं कि यहां यार यहां तक तो सर आप बिल्कुल ठीक बोलते हैं। अब मैं एक छोटा सा बात आप लोगों को ये बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा क्या सर, कि भाई बात ये है सिंपली कि आज आपका एक रूल और है कि गाइस कभी भी ऐसा होता है ना, लॉग एम एन, मान लीजिए एम द पावर एन और ये, तो हमेशा ये जो एन होता है ना ये बाहर आ जाता है 1/O के, ये जो है स्टूडेंट को अक्सर पता नहीं रहता, और ये वाला जो जिनको नहीं पता यही वही गलती करेंगे। मतलब सर आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों को कि यहां पर जो 9 log ये 2 है इसमें प्रॉब्लम नहीं है, अब ये वाला जो पावर 2 है ना, ये पावर 2 को बाहर निकाल लीजिए तो हो जाएगा 1/2 log 3। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से गाइस। अच्छा जी ये बात है, हाँ जी ये बात है, और बताओ सर बाबा से, ये तो है ऐसे कैसे ही रहने दो। अच्छा यहां पर जो है log बेस 2 था वो रहने दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनिए अभी बात, और आप लोग एक चीज और देखिए कि यहां पर जो है ये 2 स्क्वायर है, तो यानी कि ये जो स्क्वायर है ना ये 1/2 निकल जाएगा, और 2 log अगर मैं डायरेक्टली कर दिया होता ना आप लोग फंस गए होते, मतलब नहीं समझते, ये जो 2 है ये 1/2 निकला तो ये 2 टूट गया। तो गाइज अब आप लोग को अगर इसका निकालना है तो आप लोग को इसको मल्टीप्लाई करना होगा, विच विल बी समथिंग लाइक दिस, log 3 into ये log 2 ये 3 माइनस गाइज ये इंटू ये, यानी कि हाफ, ध्यान दीजिए ना आप लोग, ध्यान दीजिएगा, माइनस हाफ log 3 बेस 2 इंटू 3 इंटू 3 log 2 बेस 3, ठीक है ना। अभी गाइज आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग अभी बुद्धि लगाइए, ये बात आप लोग को पता है कि अगर मान लीजिए log a बेस b है तो इसको आप लोग लिख सकते हो log a बाई log b, कोई भी इसमें मना नहीं कर सकता हमें, तो इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं log 2 बाई log 3 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूं log 3 बाई log 2, सर बकायदा सही, माइनस ये हाफ जो है, हाफ था क्या, हाँ है हाफ, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस हाफ जो है। अब गाइज ये जो log 3 log 2 है आप लोग समझना इसमें क्या चक्कर है ना, log 3 ये है तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं log 3 बाई log 2 इंटू 3 है यहां पर, और फिर मैं लिख सकता हूं log 2 बाई log 3, तो यार ये log 2 उड़ गया, log 3 उड़ गया, यहां log 3 log 2 उड़ गया, यानी यहां बचा 9 माइनस 1/2 इंटू 3, यानी कि 3/2, मतलब 9 में से 3/2 गया आपका, तो आपके पास बचेगा क्या, 18 - 3 15/2 या फिर 7.5, ये मेरे पास बचेगा। अभी ऑप्शन में देख लेता हूं कि ऑप्शन में मेरे पास 7.5 है भी या नहीं है, है बिल्कुल गाइस, एम आई क्रिस्टल क्लियर गाइस। तो हम लोगों ने बेसिकली 3 लॉगरिथमिक रूल्स का इस्तेमाल किया इस सम को करने के लिए। पहला रूल गाइस कि अगर log द पावर b है तो इसका मतलब होता है b log a। दूसरा बात, अगर log m पावर n है, log m द पावर n है और यहां पर a है, तो ये जो पावर में रहेगा बेस का पावर वो 1/n बन के बाहर आ जाएगा, दैट्स इट। और तीसरी बात, अगर log a बेस b है तो ये हो जाएगा log a बाई log b। अगर ये तीनों रूल और या ये तीन रूल आप जानते हो, कोई हालत में आप लोग का ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं,
माय डियर फ्रेंड्स, एम आई क्रिस्टल क्लियर गाइस? सभी कोई जवाब दे दीजिए काइंडली फटाफट, सो दैट आई कैन प्रोसीड विद कॉन्फिडेंस गाइस, कम ऑन। ऑल राइट, सर आगे बढ़िए, सर जी अब आप आगे बढ़िए, अब आप आगे बढ़िए, ध्यान से सुनना आप अपनी बात, ध्यान से सुनना आप अपनी बात, सर ये चीज तो क्लियर है। फिर गाइज और क्या क्वेश्चन था? हाँ अभी ये वाला जो क्वेश्चन था ये सिंपल है यार, रुक जाओ कौन सा बता रहा हूं, हाँ ये वाला क्या था, ए स्क्वायर माइनस सेवन ए, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सेवन आई टू, ठीक है ना। अब आप लोग इधर देख लो, थ्री वन माइनस वन टू है, थ्री वन माइनस वन टू है, आप लोग देख लो गाइस, फिर मैं करके बता रहा हूँ आप लोग, आंसर जीरो आएगा ऐसा क्वेश्चन का मुझे पहले से मालूम है, बट ठीक है मैं करवा रहा हूँ, इधर देखना आप लोगों की बात, एक सेकेंड गाइस, थ्री वन माइनस वन टू अपने को क्या दिया हुआ है, ए इक्वल्स टू थ्री वन माइनस वन और टू। अब अपने को बोला है कि भाई ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सेवन आई का वैल्यू निकाल, मैक्सिमम केसेस में ना गाइस ऐसा क्वेश्चन दिया रहे ना वो जीरो ही होता है, बट ठीक है करके दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, ऐसा नहीं लगे कि रट्टा जा रहा है। इधर देखिए ए स्क्वायर निकालना होगा विच इज ए इन टू ए, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, थ्री वन माइनस वन टू, थ्री वन माइनस वन टू, सीधी सी बात है यार इसमें तो क्या गलती है, ये वाला रो इंटू ये वाला कॉलम है ना, तो थ्री इंटू थ्री नाइन हो गया, और वन इंटू माइनस वन आपका कितना हो गया, माइनस वन हो गया, फिर वापस से थ्री इंटू वन थ्री, और वन इंटू टू आपका हो गया टू, है ना, तो यानी कि ये आप लोगों का हो गया वन प्लस टू, वैसे ही माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री, प्लस टू इंटू माइनस वन माइनस टू, ये हो गया, और माइनस वन इंटू वन माइनस वन, प्लस टू इंटू टू फोर, ये आप लोगों का हो गया यहां पर खत्म। तो गाइस आपका आ गया एट फाइव माइनस फाइव और थ्री, अब गाइस आपका एट फाइव माइनस फाइव थ्री हो गया, ये आप लोग का आ गया ए स्क्वायर। अब बोला है क्या माइनस फाइव ए, तो जनाब फाइव ए कितना होगा, तो मैं फाइव ए कैलकुलेट कर लू, फाइव ए कितना है, अब जनाब आप लोग देख लीजिए फाइव ए कितना है, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, क्योंकि मैट्रिक्स याद रखिएगा सबसे मल्टीप्लाई होता है, फाइव वन जा फाइव, फिर क्या है माइनस वन इंटू फाइव माइनस फाइव, और टू इंटू फाइव यानी कि टेन, है ना। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सेवन आई, पहले ए स्क्वायर माइनस फाइव ए कर लेता हूं, इन दोनों को मैं माइनस करूंगा, तो एट माइनस फाइव फिफ्टीन कितना होगा माइनस सेवन, फाइव माइनस फाइव कितना होगा जीरो, माइनस फाइव माइनस माइनस फाइव कितना होगा जीरो, और थ्री माइनस टेन कितना होगा माइनस सेवन। अब आप लोग देखो कितना सिंपल है ये वाला क्वेश्चन में, कुछ और बचा क्या, अब आपको बोला इसमें सेवन आई जोड़ दो, सेवन आई का मतलब है सेवन जीरो जीरो सेवन, एड कर दो तो माइनस सेवन प्लस सेवन जीरो, तो चारों ब्रैकेट के अंदर जीरो आ जाएगा विच इज नथिंग बट जीरो। सो गाइज अभी क्रिस्टल क्लियर है आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी, कम ऑन एवरीबॉडी गाइज, कम ऑन फटाफट। हाँ जी साहब, जैसा कि आप लोगों का जवाब आ रहा है, एवरीबॉडी सीम्स टू बी कंप्लीट विद द कॉन्सेप्ट्स, ओके आसान में समझ में आता है। हाँ देख लीजिए, ये वाला सम भी आप लोगों का कवर हो गया है गाइस, ये वाला सम भी आप लोगों का कवर हो गया है। तो ये कुछ डाउट्स थे जो आप लोग के आए थे, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे गाइस। मैंने एक सैंपल पेपर में एक अच्छा क्वेश्चन देखा था, आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट, रुक जाइए, अच्छा यहीं पर तो है, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड गाइस, ये वाला ऐसा सम मैंने पहले करवाया है क्लास में, पहले करवाया शायद डाउट क्लास टू या थ्री में मैंने करवाया आप लोगों का, बट स्टिल एक बार रुक जाइए, मेरे पास एक डिस्कशन का है मैटर, रुक जाइए। रुक जाइए।
पेपर टू है ये। अभी आप लोगों को ना इसका सॉल्व सम सारा पेपर्स का देखना चाहिए। खैर अभी मैं सॉल्व सम नहीं दिखा रहा, मेरे को ये सेल्फ असेसमेंट पेपर में मैं देख रहा था क्वेश्चन जो अच्छे हैं तो मुझे दिखे। हाँ मिल गया, एक सेकेंड गाइस। अक्सर क्या होता है, ये दो क्वेश्चंस हैं एक्चुअली जो करवाने हैं आप लोगों को। अक्सर क्या होता है ना गाइस, हम लोग जो है कंसेप्ट्स और इतना हैवी हैवी क्वेश्चंस कर लेते हैं। आप लोग पहले ये समझ लीजिए कि आप लोग का पेपर में मैक्सिमम सम्स इजी आएंगे, एक दो सम्स जो आएगा जो एडवांस लेवल आ सकता है, जिसके लिए आप लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखे हो, ठीक है ना। पर काफी बार ऐसा होता है एडवांस इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं बेसिक हमसे एग्जाम में नहीं होता। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन का एकदम एपिटोम है कि इससे बेसिक क्वेश्चन नहीं हो सकता। आप लोग हाई फाई सोच के जाते हो क्वेश्चन और बेसिक गड़बड़ करके आते हो, नहीं समझे सर। ये देखो टेन इनवर्स इसको करवाओ तो जैसे टू कॉस है। अब गाइस आप लोग देखो ये साइन इनवर्स 1/2 है। अब यार साइन का कौन सा वैल्यू 1/2 होता है? सर जी साइन 30 डिग्री, यानी कि साइन पाई बाई 6। तो यार उस हिसाब से मैं बोलूं तो ये हो गया 2 साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 उड़ कट जाएगा आपस में, तो बच गया पाई बाई 6। तो 2 इंटू पाई बाई 6 कट गया आपस में, आपके पास बचा क्या? कॉस पाई बाई 3। तो आपके पास बचा गाइस 10 इनवर्स 2 कॉस पाई बाई 3। अब कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? सर जी कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो यानी कि 2 और कॉस पाई बाई 3 होता है 1/2, कट गया। तो आपके पास आया 10 इनवर्स 1। अब 1 क्या होता है? 10 पाई बाई 4। तो 10 इनवर्स और 10 कट गया, तो आपका जो आंसर आ गया गाइस वो आ गया पाई बाई 4। अभी ये इजी इजी क्वेश्चन को गलती मत करना, ITF का डर, ITF का डर की वजह से जबरदस्ती का ये सब मत इजी इजी क्वेश्चन को ढोल देना। क्लियर है ना ये वाला कंसेप्ट? अभी इधर देखो, जब इधर स्टूडेंट्स लोग देखते हैं इसको इक्वल टू जीरो सोचते हैं ये क्या है। अरे भैया मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन का इक्वल टू जीरो है, मतलब दूसरे साइड में जो मैट्रिक्स है वो जीरो ऑर्डर का है, मतलब उसका ऑर्डर जो भी हो उसका सारा वैल्यू जीरो है। अब आप लोग समझो, ये मैट्रिक्स में एक रो है दो कॉलम है, इस मैट्रिक्स के अंदर दो रो दो कॉलम है, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका क्या होगा? एक रो और दो कॉलम होगा उसका, तो दोनों कॉलम में जो भी वैल्यूज है उसको आपको जीरो से इक्वेट करना है। मतलब अब जैसे आप लोग मल्टीप्लाई कर ही लो, इधर पे बाजू में मैं करके दिखाई देता हूं, ठीक है ना। इधर देखो, जैसे इधर देखो 2x-3 है, मतलब 2x 3 है और 4 × -8 है। तो आप लोग देखो क्या होगा, पहले ये इंटू ये करना है, तो 2x × 4 यानी कि आपका कितना हो गया, 2x × 4 हो गया 8x, और प्लस 3 × -8 यानी कि आपका कितना हो गया -24। और फिर 2x 3 0 0 से इंटू होगा तो ये जीरो ही आएगा। अब आपका क्या आ गया, इक्वल टू इस तरफ जीरो है। आप लोग देख के डर जाओगे एग्जाम में, पर रियल लाइफ में इसका मतलब है ये जीरो और ये जीरो, 8x-24 जीरो के बराबर है, तो इसका मतलब एक्स जो है वो 3 के बराबर है। कम हो गया, खत्म। माई डियर फ्रेंड्स आर यू विथ मी? कम ऑन एवरीबॉडी। हाँ जी साहब, अब आप लोग जो है ये वाला क्वेश्चन को गलती करते हो, और ये मैंने आपको बताया है आप लोग को। अच्छा किसी को इसका प्रूफ देखना है तो सेकंड डाउट क्लास थर्ड डाउट क्लास का बैठ के नोट्स और रिकॉर्डिंग देखिए। पर अगर आप लोग में से किसी को भी ये देखना है, मैं अभी प्रूफ नहीं दिखा रहा, मैं सीधा मेन बात बोल रहा हूं कि कभी भी आपको बोल दिया कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकाल, एडजॉइंट ए निकालने नहीं बोल रहा, उसको तो सैंडविच मेथड से निकालते हैं। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालने बोल दिया, तो जो भी डिटर्मिनेंट ए का होता है टू दी पावर एन माइनस वन, मतलब एन मतलब हो गया ऑर्डर। तो उस हवाले से गाइज आप लोग ध्यान दीजिएगा, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमें दी हुई है क्या? हाँ देखो दी हुई है। सर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नहीं दी हुई है, कुछ लोग बोलेंगे, मैं बोल रहा हूं गलत बोल रहे हैं वो लोग। समझो एक और फॉर्मूला है, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। अब यहां बोला ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू 8 × i, मतलब डिटर्मिनेंट ए की जगह 8 है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 8 है। तो अब आपने डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल दी, अब उसको यहां डालिए 8 और n कैट ऑर्डर 3 - 1, यानी कि 64 इज द आंसर। गाइस एम आई क्रिस्टल क्लियर? यहां पे तो गलती नहीं करोगे ना, प्लीज कंफर्म कर दो। कमऑन गाइस, कमऑन मेट्स। यहां पे गलती मत कर देना यार। सर जी नहीं होगा गलती यहां पे। ओके अच्छा इस पे चलिए,
हाँ अभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया आपका, एक बैड डे है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप लोग बोलोगे सर नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला याद है, रिफ्लेक्सिव का नहीं। हालांकि आपको बता दें रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंट सब चीज का एक क्लास हुआ था रिलेशन इंडिपेंडेंस का, जिसमें सिखाए थे, पर अभी उतना बात नहीं कर रहे हैं। याद रखिएगा अगर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कुछ लिया तो उसका फॉर्मूला है 2 to the power n² - n। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिएगा कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला है 2 to the power n² - n। n है कितना एलिमेंट्स है इसके अंदर, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 3, यानी कि 2 to the power 3 एलिमेंट्स है, तो 3² यानी कि 9 - 3 यानी कि 2 to the power 6, जो भी है ये आंसर है। गाइस द फॉर्मूला 2 to the power n² - n, ये सब बताया हुआ आप लोगों को ओरिजिनल रिलेशन इंफर्जन का वन शॉट क्लास में। क्लियर है नहीं क्लियर है एवरीबॉडी, जो भी है अभी आप ध्यान दिए थे नहीं दिए थे, अभी ये क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं फटाफट बोलो, 2 to the power n² - n बताओ फटाफट एवरीबॉडी। आप चाहिए आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि मैं रैंडमली मूव कर रहा हूं, इस रैंडम मूवमेंट का दोस्तों एकमात्र रीजन है जो गुड क्वेश्चंस है। मैं नहीं चाहता कि यार जो क्वेश्चन आप लोग ऑब्वियसली सॉल्व कर लोगे उस पे मैं आपको परेशान करूं। अभी जैसे ये देखो 19 में भी हम क्वाइट श्योर आप लोग कर लोगे, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, है ना। अभी फिजिबल सोल्यूशन इसका क्या है ना, अब आप लोग को बोला गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मैक्सिमाइजेशन, तो ठीक है आपको क्या करना है, जितना भी कॉर्नर पॉइंट है 0 0 इसमें डालिए, 5 0 इसमें डालिए, 6 5 इसमें डालिए, 6 8 इसमें डालिए, 0 8 डालिए और 4 10 डालिए, जिसमें z का वैल्यू मैक्सिमम आएगा वो आप लोग का आंसर होगा। आई एम क्वाइट श्योर गाइज आप लोग ये कर लोगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला टोटल रेवेन्यू, सुनिएगा बात को, हाँ टोटल रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ x यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज दिस, टोटल रेवेन्यू है ये, मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज 4। पहले तो बोल रहा है x 4 है तब मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, तो जनाब पहले मार्जिनल रेवेन्यू का इक्वेशन निकालिए फिर आंसर डालिएगा। 4x² का डिफरेंशिएशन 8x, 28x का डिफरेंशिएशन 28 हो गया ना। अब आप x को 4 डालिए, x की वैल्यू क्या है 4 है, तो 8 × 4 = 32 + 28 यानी कि डियर फ्रेंड्स आपका आंसर 60 हो गया। व्हाट से दोस्तों, कम ऑन गाइस कम ऑन। अच्छा अभी एग्जाम में ना वो लोग को बदमाशी करना है ना, वो लोग ऐसे दे सकते हैं p = 4x + 28, ठीक है px = 4x + 28। अब आपको बोला फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन दिस इज, ये अब आप लोग समझो जब P दिया हुआ है मतलब प्राइस ऑफ एक यूनिट दिया हुआ है, तो पहले आपको टोटल रेवेन्यू x मल्टीप्लाई करना होगा 4x² + 28x, अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है और फिर वैल्यूज डालना है। गाइज एम आई मेकिंग सेंस, कम ऑन, यहां पर टोटल रेवेन्यू दिया था तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया, गाइज एम आई मेकिंग सेंस, कम ऑन गाइज। ऑल राइट यस सर यू मेक सेंस, वाओ ग्रेट क्वेश्चन सर। डेरिवेटिव्स का एक क्वेश्चन मैं देखा भी, बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है। अभी ये देखो ये वाला क्वेश्चन है, आप लोग को पता है ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। सर हमें मालूम है कि यहाँ पर √1 + x² है, देखो मैंने आप लोग को पहले ही बताया टाइम एंड अगेन एक बार फिर बोल रहा हूँ, √1 - x² है ना, तो x जनरली साइन थीटा या कॉस थीटा लिया जाता है, पर अगर √1 + x² है तो x टेन थीटा या कॉस थीटा डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू हैव आपको लेना पड़ेगा। अभी यहां पर मैं जो देख रहा हूं मैं इसको दूसरी जगह ले जाता हूं, कॉट इनवर्स दूसरी जगह ले जाता हूं फिर सॉल्व करता हूं, ध्यान दीजिए प्लीज। देखिए यस सो वेयर वाज आई, हाँ द क्वेश्चन वाज गाइस y = cot inverse √1 + x² + x। अगर ये है दोस्तों तो आप लोगों को क्या लेना चाहिए, x = cot theta। जब आपने ये ले लिया ना आपका सम बन गया। अगर tan inverse होता तो सर आप tan लेते क्या, हाँ मैं तब tan लेता, पर खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो tan भी अभी भी लूंगा तो ठीक कर दूंगा, खैर जो भी है 1 + √1 + x² यानी कि 1 + cot² theta यानी कि cosec² theta, cosec² theta का रूट कितना हो गया, cosec थीटा हो गया सर, और x क्या हो गया, cot थीटा, समझ ही गए हो गए। अरे यहाँ पे cot थीटा डाले, 1 + cot² theta cosec² theta हुआ, जिसका रूट cosec थीटा हुआ प्लस cot थीटा किया एक्सक्यूज मी cot इनवर्स cosec थीटा हो गया आपका, ये हो गया आपका ये, इसका मतलब गाइस क्या हो गया, ये साइन थीटा हो गया और आप लोगों के पास क्या आ गया 1 प्लस
कॉस थीटा आ गया आप लोगों के पास, है ना जी। अब एक बार गाइज आप लोगों के पास ये आ गया, एक बार गाइज आप लोगों के पास ये आ गया, उसके बाद जो है द थिंग्स बिकम वेरी इजी। क्यों सर? क्योंकि आप लोग को ये मालूम है, क्योंकि आप लोग को ये मालूम है कि cos थीटा को मैं ले सकता हूँ 2 cos square थीटा बाई 2 माइनस 1। क्यों ये वाला क्यों? क्योंकि माइनस 1 प्लस 1 उड़ जाएगा, तो यहां पर मैं वो वाला फॉर्मूला यूज किया सर। और sin थीटा को मैं हमेशा, यार ये बात अभी तक रट्टा लग जाना चाहिए कि sin थीटा को हमेशा sin थीटा बाई 2, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 लिखते हैं, क्योंकि 2 sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा। यार जो भी है, 2 उड़ गया, 2 उड़ गया, स्क्वायर उड़ गया, और यहां से ये हट गया, तो आपका आ गया cot inverse cot थीटा बाई 2। बिल्कुल सही, cot inverse cot थीटा बाई 2 आ गया आप लोग का गाइस। तो यानी कि हो गया आपका थीटा बाई 2, थीटा आपका cot inverse x था, अब cot inverse x बाई 2 है, 1 बाई 2 साइड रखिए, और cot inverse x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर, tan inverse होता तो प्लस 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर होता। सो दैट माई डियर फ्रेंड्स इज द आंसर। एक मिनट रुक जाइए, मुझे आंसर मार्क करने दीजिए। नंबर 24 कर रहे थे हम लोग गाइस, तो यहां पर ये माइनस 1 बाई 2 ये हो गया मेरा आंसर। व्हाट से दोस्तों, एम आई क्रिस्टल क्लियर? कम ऑन गाइस, फटाफट फटाफट प्लीज। ऑल राइट देन सर, एक क्वेश्चन अच्छा दिखा, वो भी डिस्कस कर ले रहे हैं सर आप लोगों के साथ। क्वेश्चन नंबर 26 है ना, अ मैन इज वॉकिंग एट द रेट ऑफ 6.5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स द फुट ऑफ अ टावर 120 मीटर हाई। ये मतलब बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये 120 मीटर, थोड़ा सा डीप कर लेते हैं एक सेकेंड में। ये देखो आप लोग, ये 120 मीटर हाई टावर है। अब अगर गाइस 120 मीटर हाई आपका टावर है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ मैन इज वॉकिंग एट द रेट ऑफ इतना टुवर्ड्स द फुट ऑफ अ टावर, एट व्हाट रेट ही अप्रोचिंग द फुट, मतलब ये इस तरह से चल रहा है, ठीक है ना, when he is 50 meter away from the tower। अच्छा, तो जब ये distance 50 meter है, तब इसके बारे में कुछ बताइए हमें। मैंने कहा यार समझ लो कि एक बार शुरू के लिए समझ लो ये x है और ये y है। पहले तो पाइथागोरस यूज करना ये क्लियर हो जाना चाहिए। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब 120 स्क्वायर, कोई डाउट नहीं है सर हमें। अब आपको पता है इंसान का चलने का स्पीड, मतलब ये जो चल रहा है इसका स्पीड आपको पता है, मतलब आपको dx by dt पता है, क्योंकि देखो पर आवर चल रहा है, तो x कवर कर रहा है, यानी कि dx by dt आपको पता है 6.5 है। अभी आपको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो 2y dy by dt इक्वल्स टू 2x dx by dt, और बजे की बात यह है कि 120 स्क्वायर पूरा उड़ जाएगा, कोई काम का नहीं है, ठीक है ना। 2 उड़ गया गाइज, तो आपके पास जो dy by dt आया, गाइज आपके पास जो dy by dt आया वो क्या आया, वो आया y नीचे चला जाएगा, x by y dx by dt के बराबर आया, x by y dx by dt के बराबर आया। अभी आप लोग सुनिए, मेरे पास यहां पर dy by dt पड़ा हुआ, मैं रहने भी दूंगा, मैं ये बोल रहा हूं आप लोग को कि यहां पर जो x है, यहां पर जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या हो गई मेरी, आप लोग ध्यान दीजिए प्लीज, x where are you, ये रहा इधर पे मेरी जो x की वैल्यू है। अब अगर मैं इस x की वैल्यू को देखूं तो माइनस 6.5, आई नो दिस ऑलरेडी, dx by dt मतलब x की वैल्यू नहीं, सॉरी dx by dt। तो गाइज मेरा dy by dt क्या हो गया, x by y और यहां पर बाजू में माइनस 6.5, क्योंकि हमारे को स्पीड लिखा हुआ था माइनस 6.5 किलोमीटर पर आवर। एक बार ये मिल गया आपको, तो आपका आ गया क्या कि dy by dt जो है आपका, dy by dt जो है आपका वो माइनस 6.5 x by y है, ठीक है। अभी आप लोग को यहां पर एक चीज और ध्यान देना है सर, क्या ध्यान देना है हमारे को कि भाई आपको निकालना है dy by dt, dy by dt निकालना है, बट प्रॉब्लम इज सर x आपको पता है, y आपको पता नहीं है, x आपको पता है, y आपको पता नहीं है। सर अब तो हम लोग को बोला गया है ना, आप लोग बोलोगे कि सर अब तो हमें बोल दिया गया है कि भाई ये जो पर्सन है ये 50 मीटर अवे है, तो x की जगह सीधा 50 डलवाओ ना, आप टाइम का वेस्ट कर रहे हो। अरे यार तुम 50 डाल भी लेगा तो तेरा वाई थोड़ी आ जाएगा, तो मतलब पहले वाई निकालो। अब सर वाई कैसे निकाले, इस फॉर्मूला से निकालो ना, अगर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर है तो वाई क्या हो गया, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर। सर ये अच्छा आइडिया है, देखो तो वाई क्या हो गया, समझना, वाई आपका हो गया रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर, यानी कि एक्स की जगह आप डाले 50, तो 50 यानी कि 2500, 120 की जगह आप डाले 144, ये 00, तो अब आपका गैस क्या हो गया, रूट ओवर 169 00, यानी कि आपका क्या आ गया, 130 आ गया। अब जनाब आपका 130 आ गया, आपको याद होगा dy by dt आपका क्या निकला था, माइनस 6.5x by y।
अब आपको वाई मालूम है थैंकफुली, तो इंटू 50 बाई वाई अब आपको मालूम है 130। इस क्वेश्चन का यूनिक चीज था कि वाई निकाले बिना एक्स नहीं निकलेगा। 0.06.52 जा, ठीक है ना, बैठ के आप अपना सॉल्व करते रहो, आप लोगों का क्या आया ये 2.5। तो द आंसर इज -2.5 kmph। माय डियर फ्रेंड्स, एम आई क्रिस्टल क्लियर? व्हाट से गाइस, कम ऑन, सम हो गया खत्म। क्वेश्चन में अब क्या मांगा था, इधर देख लो, -2.5 आ गया। क्वेश्चन यही तो मांगा था, ये रहा 2.5। एम आई क्रिस्टल क्लियर गाइस? व्हाट से एवरीबॉडी, फटाफट बोलिए। हाँ जी, एक अच्छा क्वेश्चन मिला है, ये रहा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन गाइस, ये वाला क्वेश्चन तो यार मैं हजारों बार आप लोगों को करवा दिया हूं। क्या आप लोग सब कोई मेरे को ये वाला करवाएंगे क्या, मतलब करके बताएंगे क्या? मैं सारा करवाया, ये वाला आप मेरे को करवाओ, फटाफट बताओ यार क्या आंसर आएगा, फटाफट गाइस। 31 का आप लोगों को ट्रिक भी मालूम है अब तो, यार कोई ये मत बोल देना कि ट्रिक नहीं मालूम है, मेरे को अटैक आ जाएगा सीधा। सर सही है, थैंक यू। 6 होगा इसमें, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड भी हुआ, देखो दो बातें, पहले तो अगर ये सिंपली सॉल्व हो गया तो ठीक है, वरना द शॉर्टकट ट्रिक इज एल हॉस्पिटल्स, द शॉर्टकट ट्रिक इज एल हॉस्पिटल्स। इसमें तो ये सिंपली हो जाएगा सॉल्व, बिल्कुल सही, 6 है, वेरी वेरी गुड गाइस। और देखो ये सब क्वेश्चन तो इजी है। हाँ 34, अभी ये जो है साइन और कॉस के टर्म्स में आप लोग का क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट एक्स इक्वल टू जीरो इज, इसका इक्वेशन मांगा आपसे। बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन अगर बोल रहा है वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अगर बोल रहा है वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5 sin x, इधर देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5 x। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट एक्स इक्वल टू जीरो इज, मतलब पहले तो तुम डिफरेंशिएट करो, तुमको सीधा बोल दिया क्वेश्चन y डैश इक्वल टू x, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 4x, 5 sin x का डिफरेंशिएशन हो गया 5 cos x, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, x इक्वल टू 0 है तो यानी कि आपको x की जगह 0 बैठाना है, तो ये क्या हो गया 4 × 0 = 0 और 5 × cos 0, 5 × cos 0, cos 0 क्या होता है 1, तो यानी कि 5 × 1, यानी कि आपका y डैश आ गया 1। अब आपको इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल बोला है ना, तो यानी कि y − y1, अब y − y1 बोला है तो y1 तो आपको पता नहीं है, x इक्वल टू 0 तो मान लो y भी 0 होगा, y − y1 इक्वल टू स्लोप जो आप लोग का आया which is 5, actually not 5, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोला है, कम ऑन गाइस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं नॉर्मल बोला है। अगर ये टेंजेंट का स्लोप है तो नॉर्मल उसका क्या होगा, नॉर्मल का -1/5, क्योंकि आपको पता है ना दोनों परपेंडिकुलर है, तो 5 × x = −1, तो x हो गया −1/5, तो −1/5 2x − 0 यानी कि x, बस अब आपका क्या हो गया 5y = −x, तो x + 5y = 0, दैट इज द आंसर गाइस। व्हाट से दोस्तों, डू यू अग्री गाइस, कम ऑन, रोशनी टेल्स मी शी अग्रीज गाइस, बाकी सब भी फटाफट बताइए। अभी ये सब जो है चिंटू मिंटू क्वेश्चंस है, ये सब खुद करिएगा बैठ के, चिंटू मिंटू क्वेश्चंस, ठीक है। तो ओवरऑल गाइस मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि मतलब वी हैव डन इट फुल। अभी सर आप हमें ये बताओ कि हमें और क्या करना चाहिए, लाइक हाउ शुड वी बी प्रिपेयरिंग, हम लोग का अभी आधा दिन बाकी है, हमारा एक्शन प्लान क्या रहना चाहिए? सबसे पहले अगर मैं आपकी जगह होता ना, मेरा एक्शन प्लान होता, आप लोगों के पास इधर पे अगर आप लोग देखोगे, आप लोगों के पास ये नोट्स भेजा हुआ है, इसमें ना सभी का जो समरी नोट्स है, मतलब माइंड मैप जिसको आप लोग बोलते हो, वो यहाँ पर है। सबसे पहले तो गाइज आप लोगों को माइंड मैप रिवाइज करना चाहिए, उसके बाद और कुछ नहीं, ये जो सैंपल पेपर सॉल्व है ना, इन सॉल्व सैंपल पेपर्स के एक दो क्वेश्चन कर लो, बाकी के सोल्यूशन एक दो कर लो, सोल्यूशन देख लो, एक दो कर लो सोल्यूशन देख लो, करने की जगह अब देखो जिससे तुम ज्यादा कवरेज इंश्योर कर पाओगे। आज से एक हफ्ता पहले तुमको करना पड़ता, क्यों, क्योंकि तब करोगे तो याद रहेगा, पर अगर अभी सॉल्व सम्स देखोगे ना, कल एग्जाम में याद आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें गाइज। एम आई क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी, प्लीज कंफर्म। तो दैट्स इट दोस्तों, आई होप यू ऑल डू वंडर्स, और कोई कॉल बस ये इंश्योर करना कि मैथ्स में आप लोग देखो
काफी बार ऐसा एक क्वेश्चन आता है मेरे पास, ये आता है जरूर क्वेश्चन कि यार सर एक बात बताओ, मैथ्स वाले एग्जाम वाले दिन ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं रहता जितना बाकी एग्जाम वाले दिन रहता है। इसका एकमात्र एक ही सेंटेंस है आंसर का। द रीजन इज बाकी सबका डिफाइंड सिलेबस है। अगर आप इकोनॉमिक्स का बात करो तो आपको पता है कि इकोनॉमिक्स में क्या, तो केस स्टडी से आपको आंसर दिख जाएगा या फिर आपका जो नॉलेज है उससे मिल जाएगा, है ना। मैक्रो में मनी बैंकिंग से स्टार्ट होगा, गवर्नमेंट बजट पे खत्म हो जाएगा। इंडियन इकोनॉमी से स्टार्ट होगा, करंट प्रॉब्लम पे खत्म हो जाएगा। इको में आपको मालूम है, सेम विद बिजनेस स्टडीज या सेम विद अदर सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, सब कुछ सेम है। आपको पता है वो अकाउंट्स में वही फंडामेंटल है, तो रेशियोस पूछ लेगा, रेशियोस अलॉटमेंट पूछ लेगा, या इसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। एडमिशन है तो गुडविल, हिडन गुडविल मैक्सिमम पूछ लेगा, समझ रहे हो। मतलब देयर इज अ लिमिट इन दिस सब्जेक्ट्स, मैथ्स में कोई लिमिट नहीं है। दैट इज द कॉज ऑफ योर डिस्कम्फर्ट, बट एक्सेप्ट इट, आपसे सम होगा। अगर आप लोग दो तीन सैंपल पेपर किए हो, अच्छा नहीं भी किए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पैनिक मत करो, दो तीन सैंपल पेपर सॉल्व गो थ्रू कर लो एंड यू आर ऑलरेडी देयर गाइस। दैट्स इट फॉर द डे, गुड लक एवरीबॉडी, टाटा।